हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात के फेमस पातरे। तो चलिए शुरू करते हैं। पातरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं अरबी के पत्ते। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र से हैं तो ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आपको इन्हें खरीदने के लिए किसी बड़ी सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इन अरबी के पत्तों को पानी से धो लिया है और सुखा लिया है। और पातरे का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो बेसन, 5 नींबू, 25 ग्राम अमचूर पाउडर, आधा कप चीनी, 1 टीस्पून तिल, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इस डिश में हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को हम बेसन के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका बैटर बना लेंगे। अब हम पात्रों का बैटर बनाएंगे। उसके लिए हम बोल में आधा कप पानी लेकर उसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे और इसी के साथ हम नींबू के रस को भी ऐड करेंगे। इन सब मसालों को डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। और बेसन को इस मिक्सचर के साथ अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पर हमारा पातरे का बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होगी। अब हम सारे पत्तों की नसों को इस तरह काट लेंगे। अब हम पत्तों पर बैटर लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको जो प्रोसीजर बताऊं, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करते रहना है। इस तरह से हाथों की मदद से हम पत्तों पर बैटर को स्प्रेड कर देंगे। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने पत्तों को कैसे अल्टरनेटिव तरीके से रखकर उन पर बैटर लगाया है। आपको भी ठीक इसी तरह से इन पर बैटर लगाना है। अब हम इनको रोल करेंगे। यहाँ पर हम पात्रों की दोनों साइड की एजिस को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पात्रों की एजिस को किस तरह से फोल्ड किया जाता है। अब हम इस तरीके से पात्रों को रोल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर पात्रों को रोल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इनकी एजिस है वो खुल ना जाए, और हम इनको एकदम टाइटली रोल करते जाएंगे। हमारा पात्र अच्छे से रोल हो चुका है। अब हम इसकी दोनों साइडों में बैटर लगा देंगे ताकि ये साइडों पे से खुल ना जाए। आप देख सकते हैं कि हमने पात्रों को रोल कर लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। पात्रों को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी लिया है। हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे और इस स्टैंड के ऊपर ऐसा जाली वाला बर्तन रखेंगे। हमने पात्रों को इस तरह से जाली पर रख दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। हम इसे ढक देंगे। हमने पात्रों को बॉईल करके ठंडा कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे।
हमने यहाँ पर पात्रों को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। इन्हें सर्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें फ्राई कर लें या तो इन पर राई और तिल का तड़का लगा लें। हम यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताएंगे। पात्रों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पात्रे को डाल देंगे। यहाँ पर हमारे फ्राई किए हुए पात्रे तैयार है। अगर आप इनको फ्राई ना करना चाहो तो अब हम आपको तड़का लगाकर इनको सर्व करने का तरीका बताएंगे। अब हम पात्रों का तड़का तैयार करेंगे। तड़का करने के लिए हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें राई और तिल ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इन पर तड़का लगा लिया है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारे गुजरात के फेमस पात्रे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।